ओके सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक। अभी तक हमने पढ़ा था ऑनलाइन बिजनेस की हम प्लानिंग कैसे करते हैं, है ना। ऑनलाइन बिजनेस जब हमें स्टार्ट करना होता है तब आपने उसमें चार स्टेप्स में पढ़ा था कि आप क्या क्या करते हो, कैसे कैसे करते हो और उसमें क्या क्या आप इंक्लूड करते हो, ठीक है। अब इसके आगे जो हमें आज का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो ये है कि जब आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तब आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्योंकि जब आप कोई भी किसी भी तरह का काम स्टार्ट करते हो तब आपको रिक्वायरमेंट्स देखनी होती हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हो, वहाँ पर वो कोर्स अवेलेबल है कि नहीं, वहाँ की फ़ीस क्या है, टाइमिंग क्या है, डिस्टेंस क्या है, सब कुछ आप एसेस करते हो और चीज़ों को कंपेयर करने के बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको कहाँ जाना है या आप क्या क्या डिसीज़न होगा आपका फाइनल, या आप उसके बाद डिसाइड करते हो। तो वैसे ही जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, पहले से काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज करके एसेस करके रखना पड़ता है जिससे कि आगे जो हमारा बिजनेस है वो स्मूथली ऑपरेट हो सके। स्मूथली वॉइस कट रही है मेरी बेटा, फिर शायद आपके एंड से कुछ नेटवर्क इशू होगा, और वैसे भी मैं अपलोड कर दूंगी तो नो इश्यूज। अगर कहीं कहीं पे ग्लिचेस आ भी रहे हैं तो आप वहाँ से देख लेना फिर बाद में, अभी आप कंटेंट देखते रहो, ठीक है। तो देखिए इसमें जो हमारा पहला स्टेप होता है, जो पहला हम काम करते हैं वो क्या होता है, डिफाइन योर बिजनेस प्रोसेस। आप क्या करते हो, अपने बिजनेस प्रोसेस को डिफाइन करते हो। बिजनेस प्रोसेस को डिफाइन करना मतलब आप बिजनेस को जब करोगे तो एक सीक्वेंस में करोगे ना, जैसे कि आपने पहले प्लानिंग की, फिर आपने अपने रिसोर्सेज को मतलब जो आपके संसाधन हैं उन्हें ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद आपने उन्हें इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपका पूरा जो काम होता है वो किस में होता है, एक प्रोसेस में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। तो अपने उस सीक्वेंस को पहले से डिफाइन करके रखना, पहले से चीज़ों को क्या करना, डिफाइन करके रखना, डिक्लेयर करके रखना कि आप कैसे कैसे क्या क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करोगे, है ना। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आपका होता है प्रोडक्शन। आपको क्या करना पड़ता है, अपना प्रोडक्शन प्रोसेस जो आपका होगा उसको डिफाइन करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे फॉर्म्स और ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो अपने यहाँ खुद मैन्युफैक्चर करती हैं, उनकी खुद की फैक्ट्रीज़ होती हैं और वो सामान को वहाँ मैन्युफैक्चर कराती हैं और उसके बाद उसको लेकर आती हैं। आप जब ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपने देखा होगा बहुत सारा सामान, जैसे अगर आपने अमेज़ॉन पर ऑर्डर प्लेस करा तो आपको काफ़ी सारा सामान दिखता होगा जो अमेज़ॉन ब्रांड का होता होगा, है ना, जिसका ब्रांड ही अमेज़ॉन होता है। वैसे ही कई बार आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर रहे हो तो बहुत सा सामान फ्लिपकार्ट के ब्रांड का होता है। स्पेंसर्स से अगर कुछ मंगा रहे हो तो बहुत सा सामान स्पेंसर्स के ब्रांड का होता है। तो इसका क्या मतलब है, वो उस सामान को अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करा रहे हैं, साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि बाहर से भी सामान मंगवाते हैं, है ना, जो उनका प्रोसेस्ड मटीरियल रहता है। आपने देखा होगा काफ़ी अदर ब्रांड्स भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो जो प्रोसेस्ड आइटम्स हैं उसको ख़रीद रहे हैं और उसको फिर अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं। तो आपका आपको पूरा अपना प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें होंगी, और उसको पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ़ाइन करना पड़ेगा अपने पहले स्टेप में। फिर उसके बाद होगा एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन। आप कोई भी काम करोगे, प्लानिंग करोगे या किसी भी तरह से कुछ भी काम करोगे तो आपको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिल सकते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है, और वो रॉ मटेरियल आपको कहाँ पर चीपर प्राइस में मिलेंगे, या अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो फिनिश्ड गुड्स ले रहे हो तो आपको किन फैक्ट्रीज से सही दाम पर फिनिश्ड गुड मिल सकता है, कहाँ पर आपका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो सारा डेटा कलेक्ट करना, वो सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना सामान से रिलेटेड या आपका जितना भी पूरा प्रोसेस है उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, जो आपका जिसको आप किस में लिखोगे, डिफाइन योर बिजनेस प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। अब आपका नेक्स्ट आता है योर एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स। योर एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स का मतलब हुआ कि आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं एट द टाइम। अगर आप जैसे अगर आपकी कोई शेयर कंपनी है ना, शेयर होल्डिंग कंपनी है सपोज, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो,
या अगर सपोज आपकी कोई ई कॉमर्स की जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इस तरह की कंपनी है, तो आपको देखना होगा कि किस तरह के प्रोडक्ट्स में या किस तरह की सर्विसेज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है, है ना। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को पहले तो सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद एनालाइज करना पड़ेगा। आप देखोगे एग्जिस्टिंग टाइम में इंडिया में कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, म्यूचुअल फ़ंड है, फिक्स डिपॉजिट है, कहाँ कहाँ से आप फ़ंड रेज कर सकते हो, कहाँ कहाँ पर आप इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका आता है डिफाइन नेटवर्क यूजर्स। इसमें देखिए लिखा है कंसीडर हाउ मैनी पीपल विल यूज़ द नेटवर्क, स्टाफ, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। कहने का मतलब है कि जो आप वेबसाइट, क्योंकि जब आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप कैसे काम कर रहे हो, ऑनलाइन मोड पे कर रहे हो, है ना, वाया इंटरनेट कर रहे हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट पर कौन कौन से लोग आकर किस तरह का कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर, क्योंकि आपका जब आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपसे अलग अलग कैटेगरीज़ के लोग जुड़े हैं, सप्लायर्स भी जुड़े हैं, कस्टमर्स भी जुड़े हैं, और आपका खुद का स्टाफ भी जुड़ा है, है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इन सभी लोगों को किस तरह से उनकी सारी नेसेसिटीज़ को मीट कर सकते हो। एग्जांपल देती हूँ मैं, आप सभी ने ओला यूज़ की होगी, है ना, ओला कैब्स सुना होगा, जो एक तरह का ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन है, आप उसमें ऑनलाइन बुकिंग करते हो और आपको कैब मिल जाती है। तो जब आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, ओला सर्च करोगे, तो उसमें ओला, एक कस्टमर्स के लिए ओला एप्लीकेशन बनी है और एक ड्राइवर्स के लिए ओला एप्लीकेशन बनी है ना, जो ड्राइवर्स यूज़ करते हैं। तो ड्राइवर्स उनके स्टाफ हो गए, या आप कह सकते हो एजेंट्स हो गए, है ना। और दूसरी तरफ कस्टमर जो कि आप हो गए, आपके लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए, बुकिंग के लिए। तो दोनों का जो सॉफ्टवेयर होगा, कंटेंट होगा, वो क्या होगा, कम्प्लीटली अलग होगा। जो उनका प्रोसेसिंग होगा वो अलग होगा। तो उन्होंने क्या किया है, अलग अलग एप्लीकेशंस बना दी हैं अपने से जुड़े हुए अलग अलग कैटेगरीज़ के लोगों के लिए। तो वैसे ही वेबसाइट्स पर भी जब आप जाते हो तो कस्टमर्स के लिए अलग कंटेंट होता है और स्टाफ के लिए अलग कंटेंट होता है। स्टाफ आपकी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, जो आपने जैसे ऑर्डर प्लेस करा तो स्टाफ के पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा ना, तो जो उन्होंने जो वेबसाइट डिज़ाइन की होगी वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो डिफाइन योर नेटवर्क यूज़र्स, आपको पहले तो ये बताना पड़ता है कि आपके नेटवर्क में कौन कौन से लोग आएंगे, क्या आपका जो नेटवर्क है, आपकी वेबसाइट है, कंटेंट है, उसका कितना एक्सेस होगा आपके स्टाफ के पास, कौन सा कंटेंट होगा जो वो एक्सेस कर सकेंगे, प्लस आपके कस्टमर्स क्या एक्सेस कर सकेंगे, कैसे एक्सेस कर सकेंगे, ये सब आपको क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स का मतलब होता है छोटी छोटी सी डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल अभी मैं बताती हूँ आगे, पहले देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। एसेस हाउ यू विल यूज पेरिफेरल इक्विपमेंट्स सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड वॉट वुड बी द बेस्ट लोकेशन फॉर देम। कहने का मतलब है जब आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें बहुत सी बड़ी बड़ी डिवाइसेस और मशीन्स लगती हैं जो आपकी मेन मशीनरी और प्लांट में जाता है, ठीक। पर उसके साथ साथ आप कुछ पेरिफेरल्स भी यूज़ करते हो। पेरिफेरल्स का मतलब हुआ सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स, जो आपका जो मेन सिस्टम है उसको क्या करते हैं, सपोर्ट के तौर पर, सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स, सपोर्टिंग टूल्स के तौर पर वो काम करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, है ना। जैसे कि आपके प्रिंटर्स हो गए, स्कैनर्स हो गए। जब आप किसी बिजनेस में हो तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट निकालना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है काफ़ी कुछ, तो उसके लिए आपने जो सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं वो आपके क्या हो गए, पेरिफेरल्स हो गए। तो आपको ये देखना पड़ता है कि क्या आपके पास वो सारे इक्विपमेंट्स हैं या नहीं हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको एक्सेस कैसे करोगे, मतलब मार्केट में ऐसा कौन सा सेगमेंट है जहां पर आपको वो सारे इक्विपमेंट्स ईजिली मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको आपका जो अफोर्डेबल कॉस्ट है उस पर मिल जाएंगे। ये आपको क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। इसको एनालाइज करने के बाद आप ये देखोगे कि जब आपके इक्विपमेंट्स आप तक पहुंचेंगे, आपके बिजनेस में जब ये सारे इक्विपमेंट्स आएंगे, तब आप उन इक्विपमेंट्स को कहाँ पे रखोगे, मतलब कहाँ पे, जब आप ऑफिस बनाते हो तो सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है ना, सब फाइनल करते हो, यहाँ पे ये केबिन होगा, यहाँ पे ये स्टोर रूम होगा, यहाँ पे हमारा स्टाफ का रूम होगा, तो वो सारी चीज़ें बनाते हो। तो वैसे ही आपको पेरिफेरल्स के लिए भी देखना होगा कि उनको आप एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेट करोगे,
क्योंकि लोकेशन बहुत मैटर करती है, आप इजीली काम कर पाते हो, कंफर्टेबली काम कर पाते हो अगर आपके जो डिवाइसेस हैं, जो पेरिफेरल्स हैं, उनकी लोकेशन एप्रोप्रिएट है। उसके बाद हम आते हैं सेट अ बजट। अभी तक आप क्या कर रहे थे, एक तरह से आप प्लानिंग फेज में चल रहे थे, आप देख रहे थे कि आपके पास क्या है, और दूसरी तरफ आप ये असेस कर रहे थे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है ना, असेस कर रहे थे, अभी तक एनालाइज कर रहे थे। पर जब आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को खरीदोगे, मार्केट में ऑर्डर प्लेस करोगे, तब आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आपको ज़रूरत होगी कैपिटल की, है ना, मनी की ज़रूरत होगी। और उसके लिए आपको क्या देखना होगा, आपको देखना होगा कि आपका कैश फ्लो कितना है, आपके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है। अगर आपका जो एग्जिस्टिंग कैपिटल आपके पास है, क्या उसमें आपका काम चल जाएगा, मतलब आपके जो पेरिफेरल्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो लोकेशन है, डिवाइस है, जितनी भी चीज़ें हैं, या आपका जो भी प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल लगने वाला है, इन सारी चीज़ों में कितना खर्च आने वाला है आखिर, और उस खर्च को क्या आप अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल से पूरा कर सकते हो, या आपको और कैश की ज़रूरत है। अगर है तो फिर आप उसे कैसे पूरा करोगे, है ना, फंड रेज कैसे करोगे। इन सब को करने के बाद फिर आपको अपनी कॉस्ट और बेनिफिट कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि आप कोई भी प्रोसेस जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी अर्निंग्स में से जब हम कॉस्ट को घटाते हैं तभी तो आपका प्रॉफिट आता है। सपोज आपने 100 रुपीज़ का कोई सामान बेचा और वो आपने 50 रुपये में बनाया था, तो क्या हुआ, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपये का हुआ। तो आपको कॉस्ट तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, उसी के बाद आप अपने सेलिंग प्राइस तक पहुंचोगे, आप ये तय कर पाओगे कि आपको अपनी गुड्स और सर्विसेज किस प्राइस पर सेल आउट करनी है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक बजट तैयार करते हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, अपने सारे खर्चे, अपने सारी जितनी भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हैं सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, और देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें हम कैसे और क्या कर रहे हैं, कितने कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, और फिर हम कैसे उन्हें मार्केट में उतार के कितना उनसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये पूरा आप एक तरह से एस्टिमेशन करते हो अपने बजट के अंदर। देखिए इसमें लिखा है इंक्लूड परचेज, इंस्टॉलेशन, सपोर्ट, मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग। जब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको पहले तो चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी, या तो रॉ मटेरियल परचेज करोगे, या तो फिनिश्ड गुड्स परचेज करोगे, हो सकता है कुछ डिवाइसेस और पेरिफेरल्स परचेज करो। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप उनको इंस्टॉल कैसे करोगे, क्योंकि बहुत सी डिवाइस, जब आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर्स की, डिवाइसेस की, मशीन्स की, है ना। तो उनका इंस्टॉलेशन भी आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंस्टॉल होगा, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी आपकी। फिर उसको सपोर्ट कैसे करना है, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं तो उनके सपोर्ट के लिए काफ़ी कुछ लगाया जाता है, पावर ब्रेकडाउन ना हो जाए, आपका सिस्टम क्रैश ना हो जाए, है ना, सर्वर डाउन ना हो जाए, तो उसके लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स और इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, तो वो सपोर्ट सिस्टम आपको एक बनाना पड़ता है। फिर उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, मतलब टाइम टू टाइम वो ख़राब हो जाएंगी तो आपका कितना खर्च आएगा एस्टिमेट करना पड़ेगा ना। अगर आपने कोई बड़ी सी मशीन लगा ली और ये नहीं सोचा कि अगर ये ख़राब हो गई तो हमारा कितना खर्चा आएगा, तो फिर तो आप किस में लॉस में चले जाओगे, सारा प्रॉफिट आपका पता चला मेंटेनेंस में ही निकल गया। और लास्ट में आपका ट्रेनिंग आएगा, क्योंकि जब आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हो तो हो सकता है आपको अपने स्टाफ को ट्रेन भी करना पड़े, आईटी के अगर आप लोगों को भी लोगे फिर भी आपको अपने बिजनेस में आपको उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेगी। उसके बाद 6 पॉइंट पर आते हैं, पोटेंशियल सेविंग्स। जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस हम किस लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं। और प्रॉफिट कमाने के 2 तरीके होते हैं, पहला तो आप अपनी सेल्स बढ़ा दो, क्योंकि जो आपका आप सेल्स कह लो या रेवेन्यू कह लो, जो आपका रेवेन्यू होगा उसमें से जब कॉस्ट घट जाएगी उसके बाद आपका प्रॉफिट आएगा। तो पहला तरीका तो होता है अपना रेवेन्यू, अपनी अर्निंग को बढ़ा लो, है ना, इंक्रीज कर लो, कोई ऐसा तरीका अपनाओ कि आपके कस्टमर्स बढ़ जाएं, आपका मार्केट एक्सपैंड हो जाए और आपकी सेल्स बढ़ जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए। और एक उसका दूसरा तरीका होता है कि अपनी कॉस्ट को कम कर लो। दोनों तरीकों से आप प्रॉफिट में रहते हो। अगर आपकी सेल्स उतनी की उतनी है फिर आप, लेकिन अगर आपका सेल उतना ही है और अगर आपका कॉस्ट घट गया तो भी तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना।
तो उन तरीकों को ढूंढना कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा सकें और क्या तरीके ऐसे हो सकते हैं जो हम पोटेंशियल सेविंग कर सकते हैं, है ना। तो पहला आपका है रिप्लेसिंग मैनुअल्स एंड पेपर बेस्ड प्रोसेसेस। जब आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हो, आप ऑनलाइन चीज़ों को कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कोशिश करते हैं, चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक वे में करने की, इलेक्ट्रॉनिक ढंग से करने की। अगर आपको पेमेंट्स करने हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कर रहे हो, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं तो आप उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हो, या अगर आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है, तो आप किसका EDI का यूज़ कर रहे हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बेस्ड प्रोसेसेस को हटाने की, रिप्लेस करने की कोशिश करते हो, और मैनुअल्स को भी रिप्लेस करने की कोशिश करते हो मशीन्स के साथ, है ना। मशीन्स हैं, डिवाइस है, वो आपका काम कर सके, आप ये कोशिश करते हो, क्योंकि इन्हीं तरीकों से आप ऑनलाइन बिजनेस में अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो और कॉस्ट को घटा सकते हो। आप बहुत इफ़िशेंटली वर्क कर सकते हो अगर आप मशीन्स का यूज़ कर रहे हो तो। अच्छा, सेवेंथ पॉइंट है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी इशूज़। तो इसमें देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा है डिसाइडिंग हु विल यूज़ द नेटवर्क। पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आखिर आपके कस्टमर्स होंगे कौन, आखिर आपके यूज़र्स होंगे कौन। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, एजुकेशनल बहुत से आजकल एप्लीकेशंस और ऐसी वेबसाइट्स हैं, जैसे बायजूस है और एवर स्टडी है, काफ़ी सारे हैं ऐसे, मुझे इंस्टेंटली नाम नहीं याद आ रहे काफ़ी। तो इन सब में इन्होंने क्या करा है, कुछ दिन का तो ट्रायल डाला हुआ है, 6-7 days का, उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हो, आप इतना पेमेंट करते हो, हमारी मेंबरशिप लेते हो, या फिर अगर आप हमारा पैक लेते हो, है ना, एनुअल पैक, मंथली पैक, तो आपको वीडियोस या कंटेंट देखने को मिलेगा। तो पहले तो आपको अपना लिमिट बनानी पड़ेगी कि आपके यूज़र्स होंगे कौन। आपका जो कंटेंट है वो पब्लिक कर दोगे आप, सबके लिए है, या फिर आप ये करोगे कि नहीं, 7 दिन तक तो वो ये पब्लिक रहेगा, 7 days तो इसका फ्री ट्रायल है, उसके बाद इसके सब्सक्राइबर्स ही उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। इस तरह से आपको कुछ क्राइटेरिया बनाने पड़ेंगे, कुछ लिमिटेशन बनानी पड़ेंगी। तो ये वेबसाइट टू वेबसाइट डिफ़र करता है, कुछ लोग 30 दिन का ट्रायल देते हैं, कुछ लोग 3 ही दिन का ट्रायल देते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन एक्सेस करेगा नेटवर्क, कब तक करेगा, कैसे करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से एनालाइज करके रखनी पड़ेंगी। या अगर आप जैसे ग्रोसरी का आपकी एप्लीकेशन है, तो आपका जो टारगेट मार्केट होगा वो हाउस होल्ड्स होंगे, है ना। या अगर आप जो आपकी मेडिसिन से रिलेटेड अगर कुछ फार्मेसी आपके जो सप्लायर्स होंगे और जो कस्टमर्स होंगे, वो जो डेली जो मेडिसिन मंगाते हैं लोग, इंडिविजुअल्स आप कह सकते हो, कस्टमर कह सकते हो, वो लोग होंगे। तो आपको अपनी टारगेट मार्केट, अपने टारगेट यूज़र्स को चूज़ करना पड़ेगा कि आप किसके लिए वो प्रोडक्ट रख रहे हो, वो सर्विस रख रहे हो, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी मार्केटिंग भी करोगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग व्हाट एक्सेस कंट्रोल यू विल रिक्वायर सच एज पासवर्ड। ये भी आपने देखा होगा, जब भी हम किसी वेबसाइट को या एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए कुछ कंट्रोल्स वो लोग लगाते हैं पहले से। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा OTP का कॉन्सेप्ट होता है, वन टाइम पासवर्ड का, कहीं कहीं पर लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ता है, है ना। तो कहीं इस तरह के काफ़ी सारे आप कंट्रोल टूल्स का यूज़ करते हो। अगर आप पेमेंट्स एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट से लॉक लगता है ना, लॉक कर सकते हो आप अपनी एप्लीकेशन को। तो इस तरह से काफ़ी सारे कंट्रोल टूल्स होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी वेबसाइट किस तरह की है और उस वेबसाइट पे आप किस तरह का कंट्रोल लगाना चाहते हो और अपने यूज़र्स को क्या सर्विस देना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को डिसाइड करते हो कि आपको पासवर्ड बेसिस पर रखना है, OTP बेसिस पर रखना है, या आपको फिंगरप्रिंट और इस तरह का कुछ लॉक देना है लोगों को। तो ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो अपने नेटवर्क जब आप डिसाइड कर रहे हो उस टाइम। अच्छा, उसके बाद आपका है डिवाइसिंग रेगुलर बैकअप प्रोसीजर्स फॉर योर डेटा इन केस योर सिस्टम क्रैशेस। जब हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, जब हमारा ई कॉमर्स से रिलेटेड कंपनी है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जितना भी डेटा है वो कैसा है, वो ऑनलाइन मोड पे पड़ा है, वो वेबसाइट पे पड़ा है। तो अगर इन केस हमारा सिस्टम क्रैश कर जाता है बाई चांस, है ना, सॉफ्टवेयर बाई चांस हमारा क्रैश कर जाता है, सिस्टम क्रैश कर जाता है, तो ऐसे केसेस में हमारा सारा का सारा डेटा जा सकता है। हमारे कितने यूज़र्स थे, किसने कौन सा प्लान ले रखा है, अगर आप कुछ एजुकेशनल टाइप
अगर आपकी वेबसाइट है या अगर आपका कुछ ग्रोसरी और इस तरह का बिजनेस है तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने लोगों ने ऑर्डर प्लेस करा था, तो वो सारा का सारा डेटा जा सकता है, कितनों ने पेमेंट कर दिया था, कितनों ने नहीं करा था, आप कुछ भी पता नहीं लगा पाओगे अगर आपका सारा का सारा डेटा जो है वो सिर्फ सिस्टम पे और आपका सिस्टम इनकेस क्रैश कर गया। तो उस केस में आपके पास बैकअप होना चाहिए कहीं ना कहीं, उस पूरे के पूरे आपके प्रोसेस का, आपका जो बिजनेस प्लान है, आपका जो बिजनेस ऑपरेशन का सिस्टम है, आपका जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है, आपके कस्टमर्स की जो इन्फॉर्मेशन है, जितने भी आपने ऑर्डर्स लिए हुए हैं, है ना, तो वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपका क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं बैकअप होना चाहिए, जिससे अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, किसी इस तरह का कोई इशू आ जाता है आपके सिस्टम में, तो फिर आपको लॉस ना हो, अदरवाइज वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। फिर देखिए लिखा हुआ है, लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन अ स्ट्रक्चर्ड वे विल गिव यू अ बेटर आइडिया। आपको सारी प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करना होगा, जिसे हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, है ना। स्वॉट एनालिसिस आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जहाँ पे हम स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को एनालाइज करते हैं, जिसमें जो आपके फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट हैं एस और डब्लू, वो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए आते हैं, और जो लास्ट के दो वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स हैं आपके ओ और टी, वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए आते हैं। आपने बिजनेस एनवायरनमेंट में ये दो टाइप्स पढ़े होंगे, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, और जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, और या फिर आपका पार्शली कंट्रोल होता है ना, फुल्ली कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपका वीकनेसेस बन सकती हैं। जो स्ट्रेंथ है आपकी उसको आप और बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हो, जिससे सही यूटिलाइजेशन हो चीज़ों का, और जो आपकी वीकनेसेस हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए आप बहुत से काम कर सकते हो, उसको सही करने के लिए आप काफ़ी सारी टूल्स एंड टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी। उसके बाद देखिए ये कहाँ पे ख़त्म हुआ था सेंटेंस, हाँ, बेटर आइडिया ऑफ विच टेक्नोलॉजीज माइट बी अप्रोप्रिएट, इट विल ऑल्सो एनेबल अस टू अंडरस्टैंड द डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी। तो जब आप इस तरह से चीज़ों को देखोगे, जब आप देखोगे कि आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है, तब आप क्या कर पाओगे, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का चूज़ कर पाओगे, है ना, को चूज़ कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके सिस्टम में सपोज प्राइवेसी इश्यूज आ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके जो किसी तरह का वायरस आ गया आपके सिस्टम में, तो आप क्या कर सकते हो, आप एंटीवायरस अच्छे से अच्छा यूज़ कर सकते हो, है ना। तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, और जितना बेटर से बेटर आप एनालाइज कर पाओगे कि आपकी क्या थ्रेट्स हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उतना ही बेटर तरीके से आप उसे रिजॉल्व कर पाओगे, और जो आपकी डेटा ट्रांसमिशन की कैपेसिटी होगी उसे आप समझ भी पाओगे और उसे इंक्रीज भी कर पाओगे, है ना, उसको बहुत सही तरीके से यूज़ कर पाओगे। उसके बाद आपका आता है 8th पॉइंट, एनालाइज द टेक्नोलॉजी ऑप्शंस। आजकल की अगर हम बात करें तो हमारे पास टेक्नोलॉजी के भी बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं, है ना, एक ही चीज़ के लिए काफ़ी सारी एप्लीकेशन है। पहले ये चीज़ें लिमिटेड थी, जब इंटरनेट नया नया आया है और जब आपकी एप्लीकेशंस वगैरह का कॉन्सेप्ट नया आया है, तो आपका सब कुछ बहुत लिमिटेड होता था, है ना। अगर आपको ग्रोसरी मंगानी है तो बहुत लिमिटेड वेबसाइट्स ऐसी थी जहाँ आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, या इस तरह से सॉफ्टवेयर्स बहुत लिमिटेड थे। एंटीवायरस अगर आप यूज़ करते हो तो वो बहुत लिमिटेड थे, कंपनीज बहुत लिमिटेड थी जो आपको प्रोवाइड कर सके इस तरह की सर्विसेज। पर आज के टाइम में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का जो एरिया है, जो स्कोप है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है। नई नई तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई तरह के गैजेट्स आ गए हैं, तरह तरह की चीज़ें, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिनको आप यूज़ करके अपने सिस्टम को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हो। तो इसमें देखिए, रिसर्च द अवेलेबल टेक्नोलॉजी थ्रू नेटवर्किंग सप्लायर्स। आपको क्या करना चाहिए, आपको जब आप ई कॉमर्स में ही बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस में सबसे ज़्यादा यूज़ टेक्नोलॉजी का ही हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको रिसर्च करनी चाहिए। आपका जो 8th स्टेप है वो क्या है, टेक्नोलॉजी ऑप्शंस को ढूंढना। क्योंकि अगर आपने एक टेक्नोलॉजी को पकड़ लिया और सालों साल उसी टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हो, तो हो सकता है कि आप क्या हो जाओ, कंपटीशन में पीछे हो जाओ, क्योंकि आपकी जो कॉम्पिटेटिव फर्म्स होंगी वो अप टू डेट
जो अपडेटेड पूरा टेक्नोलॉजी होगा वो उसको यूज़ करेंगी, और आप वही पुरानी ट्रेडिशनल जो आप यूज़ करते आ रहे हो उसे यूज़ कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, सेल्स कम होती जाएगी, प्रॉफिट कम होता जाएगा, हो सकता है आपके कस्टमर आप उतना रिटेन ना कर पाओ और आपके कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाए। तो आपको अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी है कि आप जिस बिज़नेस में हो उस बिज़नेस से रिलेटेड कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती हैं, और उसके लिए काफ़ी सारे सप्लायर्स होते हैं ना, तो उनके थ्रू आप पता कर सकते हो कि आप क्या अपने सिस्टम में ऐसा कौन सा और सॉफ्टवेयर डलवा सकते हो जिससे वो और इफ़िशेंट हो जाए। वेबसाइट स्पेशलिस्ट होते हैं बहुत सारे जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो, जिनसे आप काउंसलिंग ले सकते हो कि आप कैसे अपने सिस्टम को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, वेबसाइट को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। उसके बाद बहुत सी एग्जीबिशंस लगती हैं टाइम टू टाइम, है ना, जिसमें आपको बताया जाता है कि कौन कौन से नए नए टेक्नोलॉजी या नए नए गैजेट्स आए हैं, और उसके बारे में भी आप वहाँ से पता कर सकते हो। एक्सपो लगते हैं ना, बहुत से इस तरह के होते रहते हैं कंट्री में, तो उसके थ्रू भी आप चीज़ों को जान सकते हो। उसके अलावा नेटवर्किंग मैगजीन्स, जैसे मैगजीन जब करंट अफेयर आपको पढ़ना होता है तो उसकी मैगजीन होती है, वैसे ही टेक्नोलॉजी पर भी काफ़ी सारी मैगजीन्स निकलती हैं, उन मैगजीन्स के थ्रू भी आप टेक्नोलॉजी को जान सकते हो। उसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कौन सी ऐसी मैगजीन्स हैं जिसमें हमें अच्छी टेक्नोलॉजी की जानकारी मिलेगी। तो इन सभी सोर्सेज से आप क्या कर सकते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो और उस नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हो आप अपने बिजनेस को और इफ़िशेंट बनाने में। These often include features on the latest developments to help you select a suitable product. इसमें नए नए developments के बारे में बताया जाता है। बहुत सारे आपने देखा होगा ऐसे YouTube channels हैं, ऐसे Facebook पे बहुत सारे pages होंगे जिसमें technology के बारे में बताया जाता है, तो आपको वहाँ से काफ़ी कुछ जानकारी मिल सकती है, और magazines, newspapers, इन सब से भी आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। अच्छा ठीक है, उसके बाद जब आपने टेक्नोलॉजी को एनालाइज कर लिया, ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम आते हैं प्रिपेयर अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स। जब आपने एनालाइज कर लिया सबको कि किसकी क्या बेनिफिट्स हैं, किसके क्या लिमिटेशंस हैं, अगर आप उन टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में लाते हो तो आपकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, उस कॉस्ट के पड़ने के बाद जब आप उसे यूज़ करोगे तो उससे प्रॉफिट कितना बनेगा, क्योंकि आपको क्या निकालना पड़ता है, आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक तरह से मेंटेन करते हो, आप ये देखते हो कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है और उस कॉस्ट के आने के बाद उस इक्विपमेंट से आपको बेनिफिट कितना होने वाला है। अगर कॉस्ट ज़्यादा है बेनिफिट कम है तब तो आप लॉस में हो, अगर आपकी कॉस्ट जितनी है बेनिफिट उससे ज़्यादा आप ले पा रहे हो तो आप किस में हो, आप प्रॉफिट में हो। तो ये चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती हैं आपको चीज़ों को फाइनलाइज करने से पहले। ठीक, टॉक टू द पीपल हु यूज दीज प्रोडक्ट्स और रीड मैगजीन्स, है ना, एंड रिव्यू। तो जितने भी लोग जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं आपके साथ में और जो फॉर्म्स हैं, तो उनसे भी आप बात कर सकते हो कि उनका जो आईटी डिपार्टमेंट है वो किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, वहाँ से भी आप पता कर सकते हो। कंसीडर द सपोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर द ईच सॉल्यूशन, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हो। सपोर्ट फैसिलिटी मतलब एक तरह से कस्टमर केयर फैसिलिटी, जहाँ पर आपको चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए आपको हेल्प मिल जाती है एक तरह से। उसके बाद आपका 9th पॉइंट है वेबसाइट एनालिसिस। अच्छा, आपने सारी चीज़ें तय कर ली हैं, आपको कैसे प्रोडक्शन करना है, आपके इक्विपमेंट्स क्या होंगे, आपके सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स क्या होंगे, आपका बजट क्या होगा, आपको फ़ंड कहाँ से रेज करना है, है ना, आपने सारी चीज़ें तय कर ली, नेटवर्क क्या होगा, कौन एक्सेस करेगा। उसके बाद आप अपने वेबसाइट को एनालाइज़ करोगे, ये सारी चीज़ें डाल के आपने वेबसाइट बना ली, फिर आप उसका बारीकी से एनालाइज़ करो, उसको एनालाइज़ करोगे कि वो उसकी डिज़ाइनिंग ठीक है कि नहीं, उस पर कंटेंट प्रॉपरली पड़ा है कि नहीं, जो आपने कंटेंट डाला है वो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है कि नहीं, है ना, एज अ कस्टमर भी आप सोच के देखोगे कि क्या वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, या फिर आपका वेबसाइट का सर्वर कैसा है, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, या फिर आपकी वेबसाइट पर क्या क्या सर्विसेज दी जा रही हैं लोगों को, कस्टमर केयर तक वो कैसे पहुंच सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि
अपनी कंप्लेंट्स को रखने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप बारीकी से एनालाइज करते हो और सारे उसका पूरा फिजिकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस हर तरीके से करते हो कि टेक्निकल तौर पर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है और देखने में वो वेबसाइट कैसी है, उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह कैसी है। 10th पॉइंट है आपका कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन का मतलब होता है कस्टमर को एक्वायर करना, है ना, कस्टमर को खींचना, कस्टमर को अपने वेबसाइट तक लेके आना और उसको रिटेन करना, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, ईमेल कैंपेन्स। आपने देखा होगा जब आप अपना ईमेल जीमेल खोलते हो तो उस पर काफ़ी सारे ऐसे मेल्स पड़े होते हैं जो आपने कभी मतलब आपने उनसे इंटरेक्ट नहीं किया होता है ना। काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऑफर्स पड़े रहते हैं, मेल्स पड़े रहते हैं, कभी ना कभी आपने उनकी वेबसाइट विजिट की होगी और उस टाइम वो क्या करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं और आपसे फिर बाद में कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ईमेल कैंपेन्स चलाए जाते हैं जब हम ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं तो कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि जब आप ई कॉमर्स में हो, जब आप ऑनलाइन हो, वर्चुअल हो, तो लोगों को आपके बारे में कैसे पता चलेगा। जब ऑफलाइन बिजनेस होता है, आपकी शॉप है कहीं पर, तो जो लोग वहाँ से निकल रहे हैं उनको शॉप दिख रही है ना फिजिकली, पर जब आप वर्चुअल हो, वर्चुअल मोड पे हो, ऑनलाइन मोड पर हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद कस्टमर तक पहुँचना पड़ेगा। और आजकल के कॉम्पिटिशन के टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो लोग क्या करते हैं, ईमेल कैंपेन्स चलाते हैं, जो लोग होते हैं उनको, इंडिविजुअल्स को ईमेल्स भेजते हैं और अपने ऑफर्स के बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का मतलब है आप जब कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन, जैसे कि आप सपोज़ कोई गेम खेल रहे हो तो आपने देखा होगा बीच बीच में एड्स आते हैं, या अगर आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो तो बीच बीच में एड्स आने लगते हैं। तो वो एड्स जो आते हैं वही होता है आपका ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करना। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं कई बार वो क्या करते हैं, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया रेफरल प्रोग्राम्स। रेफरल प्रोग्राम का मतलब हुआ, आपने देखा होगा बहुत सारी एप्लीकेशंस में नीचे लिखा रहता है रिफ़र टू योर फैमिली, या रिफ़र टू योर फ्रेंड, है ना, या इनवाइट योर फ्रेंड, इस तरह से लिखा रहता है। और उसमें साथ में ये भी मेंशन रहता है कि अगर आपने किसी को इनवाइट किया या आपका रेफरल कोड यूज़ करके किसी ने इस वेबसाइट पे लॉग इन करके ऑर्डर प्लेस किया तो आपको इतने रुपए का या इतने कोई भी वो ऑफर दे देते हैं, इतने का फ़ायदा होगा। तो इसी को बोलते हैं रेफरल प्रोग्राम। जब हम कस्टमर से कस्टमर बनाते हैं, इसमें वो कस्टमर नहीं बना रहे, इसमें क्या कर रहा है, उनका एक कस्टमर दूसरा कस्टमर बना रहा है, दूसरा तीसरा बना रहा है, तीसरा चौथा, चेन बनती जा रही है एक तरह से, है ना। तो वो कस्टमर तक नहीं जा रहे हैं, खुद उनका एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को पकड़ के ला रहा है। जो बहुत सारे ये ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन वाली ऐप्स हैं, या आपके जो ऑनलाइन ग्रोसरी और ये ऑनलाइन शॉपिंग की जितनी भी ऐप्स हैं, उसमें इस तरह का आपने देखा होगा लिखा रहता है रेफर टू योर फ्रेंड। तो उससे आपको प्रॉफिट मिलता है और जो यूज़ जो मतलब लॉगिन करके उसको यूज़ कर रहा है उसे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है, और कंपनी को ये प्रॉफिट होता है कि उन्हें एक कस्टमर के साथ एक और मिल जाता है ना। कस्टमर ही कस्टमर बना रहा है, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, कस्टमर खुद कस्टमर लेके आ रहा है। उसके बाद आपका फोर्थ है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब हुआ वो एड्स, वो मार्केटिंग जो सोशल मीडिया पे आपको दिखाई देती है। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक है, व्हाट्सएप पर तो खैर नहीं, फेसबुक है और आपका इंस्टाग्राम है ना, तो वहाँ पर ये लोग पेजेस बना देते हैं अपने अपने, और उन पेजेस पे अपने ऑफर्स के बारे में डालते रहते हैं, लोग फॉलो करते हैं उसको, या कई बार होता है कि बीच बीच में भी एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाना या अपने प्रोडक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन करना कस्टमर्स के सामने, वो हमारा होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब हमारा है कस्टमर इंगेजिंग। एक मिनट में देख लेती हूँ कितने पॉइंट्स हैं, आई थिंक 14 पॉइंट्स हैं, हो जाएगा कंप्लीट 10 मिनट में। उसके बाद हमारा आता है कस्टमर इंगेजिंग। जब आपने कस्टमर को एक्वायर कर लिया, है ना, कस्टमर को आपने कहीं से एक्वायर कर लिया, कस्टमर आपके पास आ गया, उसके बाद उस कस्टमर को अपने बिजनेस में ही इंगेज कर रखना। ऐसा नहीं है उसने एक ऑर्डर प्लेस करा और वो फिर स्विच कर गया कहीं और। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को रिटेन करना पड़ेगा, कस्टमर को इंगेज करना पड़ेगा। रिटेंशन से भी पहले उसको इंगेज करना पड़ेगा अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ में। टाइम टू टाइम उसे ऐसे ऑफर देते रहो, टाइम टू टाइम उसे ऐसी सेल्स के बारे में बताते रहो जिससे वो ना चाहते हुए भी वापस बार बार आपकी वेबसाइट पे आए और शॉपिंग करे, है ना। तो कस्टमर्स को इंगेज रखना,
बार बार वो आपकी वेबसाइट खोल के देखे, जब आप ऑफर मतलब लिख के आएगा तो वो क्लिक करके एक बार चेक करेगा कि आखिर किस प्रोडक्ट पे क्या ऑफर आया है। तो उसको इंगेज रखना अपनी वेबसाइट के साथ कि एटलीस्ट वो बार बार आके उसको विजिट करे। तो इसके लिए आप ब्रांड ऑफर्स निकाल सकते हो। आपने देखा होगा काफ़ी सारे ब्रांड्स पे टाइम टू टाइम ऑफर्स आते रहते हैं और लोगों को आदत होती है ब्रांड का सामान, कई लोगों को आदत होती है कि वो कुछ पर्टिकुलर ब्रांड ही यूज़ कर रहे हैं तो वो उन्हें बहुत अट्रैक्ट करते हैं जब उस ब्रांड पे ऑफर चलते हैं। दूसरा, डिस्काउंट एंड ऑफर्स ड्यूरिंग स्पेशल सीजन्स। आपने देखा होगा होली सेल, दिवाली सेल, है ना, समर सेल, विंटर सेल, इस तरह की सेल्स आती रहती हैं या डिस्काउंट्स आते हैं, तो इन्हें बोलते हैं सीजनल सेल या सीजनल डिस्काउंट्स, जो किसी पर्टिकुलर ओकेजन पर या किसी पर्टिकुलर सीजन में आते हैं। उसके बाद है आपका क्वेरीज क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट डिस्प्लेड। आपने देखा होगा जब कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है या कस्टमर कुछ खरीदना चाहता है तो नीचे एक क्वेरी का भी ऑप्शन रहता है कि अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हो, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, या अगर आप क्लिक करो अपना नंबर हमें भेजो तो हम कॉल बैक करेंगे आपको विद इन एन आवर, है ना, या कस्टमर केयर की सर्विस। तो वो किस लिए होती है कि अगर सपोज़ आपने कोई प्रोडक्ट डाला वेबसाइट पे, उससे रिलेटेड किसी को कुछ कंफ्यूजन हो रही है, कुछ डाउट्स हैं, उसको वो क्लियर करने हैं ऑर्डर करने, क्योंकि जब तक क्वेरी वो आप क्लियर नहीं करोगे तब तक वो ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा कस्टमर। तो ऑर्डर लेने के लिए आप क्या करते हो, अच्छे से अच्छे तरीके से उस क्वेरी का समाधान रिजॉल्व करने की उसको कोशिश करते हो, उसकी समस्या का समाधान करते हो। उसके बाद आपका लास्ट है इंटरेक्टिव विद कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स। इंटरेक्शन करना मतलब वही कस्टमर केयर सर्विसेज का यूज़ करना, जब हम कस्टमर केयर से मतलब ऑन कॉल बात करते हैं तो उस पर जब हम अपनी क्वेरीज़ को रखते हैं और उनका सपोर्ट लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, सपोर्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो आपका हो गया इंटरेक्शन विद कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स। उसके बाद आपका 12th पॉइंट है कस्टमर रिटेंशन। पहला था कस्टमर को एक्वायर करना, कस्टमर को अपने बिजनेस तक लेके आना, फिर था कस्टमर इंगेजमेंट मतलब कस्टमर को अपनी बिजनेस एक्टिविटीज से इंगेज करके रखना, एटलीस्ट वो वेबसाइट आपकी विजिट करता रहे टाइम टू टाइम, आपके जो ईमेल्स हैं उनको चेक करता रहे टाइम टू टाइम। उसके बाद आपका जो थर्ड है वो है कस्टमर रिटेंशन, मतलब कस्टमर को अपने बिजनेस से बांध के रखना, रोक कर रखना अपने बिजनेस में, उसको ऐसे ऑफर देना कि वो स्विच ही ना कर पाए। उसके पास 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 10 वेबसाइट्स हैं, फिर भी आप उसे इतनी अच्छी सर्विस दो, इतने अच्छे ऑफर दो कि वो रिटेन हो जाए आप ही के बिजनेस के साथ, आप ही के यहाँ से वो ऑर्डर प्लेस करें, है ना। कॉन्स्टेंट एफर्ट टू लुक आउट फॉर फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज दैट विल इन्हांस आ कस्टमर एक्सपीरियंस। और ये आप कैसे कर सकते हो, जब आप कस्टमर के एक्सपीरियंस को डे बाय डे और इन्हांस करते जाओ, मतलब आपने उसे अच्छी क्वालिटी दी, फिर उसकी एक एक्सपेक्टेशन बन गई कि मैंने यहाँ से सामान खरीदा मुझे अच्छा मिला, तो उसकी एक्सपेक्टेशन को आप मीट करते रहो, बराबर उस पर खरे उतरते रहो और एफर्ट्स डालते रहो कि आप उसे कैसे अपने बिजनेस से जोड़ कर रख सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में ऑप्शंस बहुत हैं, अगर आप अच्छा ऑप्शन नहीं दोगे तो वो क्या करेगा, वो स्विच कर जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कस्टमर को रिटेन करके रखना, क्योंकि कस्टमर आया और फिर वो चला गया, एक महीना उसने ऑर्डर प्लेस करा और फिर चला गया, तो फिर आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में नहीं रहोगे। आप इंस्टेंटली आपको प्रॉफिट हो सकता है, पर अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं होगा। 13th और सेकेंड लास्ट पॉइंट है आपका ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, एक बिजनेस का ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमाइजेशन करने का जो रीज़न होता है वो होता है अपनी कॉस्ट को इफ़ेक्टिव बनाना, कॉस्ट को कम से कम करना। भाई टेक्नोलॉजी आप अच्छी से अच्छी यूज़ करोगे तो आपकी कॉस्ट कम से कम आएगी, है ना, और आप बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिवली काम कर पाओगे, बहुत इफ़िशेंटली काम कर पाओगे। और जब आप बिज़नेस को ऑप्टिमाइज़ करोगे तो बिज़नेस को ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। वो पॉसिबल है आपका सेल्स को बढ़ा के, तो जो टेक्नोलॉजी वाला है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और जो बिज़नेस ऑप्टिमाइजेशन है वो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को कहीं ना कहीं बैकअप देता है, उसके लिए बनाया गया है। लास्ट है आपका कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर एनालिसिस में आपका वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, जब आपने सर्विस दे दी उसके बाद, जब आप होता है ना आफ्टर सेल सर्विस देना, पैकेजिंग की सर्विस देना और आपका उनके घर तक डिलीवर करना उस सामान को, फिर उसके बाद उनका फीडबैक लेना, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है
तो उस सामान को रिप्लेस करना, पूरा उसका एनालिसिस करके और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करना। और एनालाइज करने में ये भी एक चीज़ आएगी कि आपका कस्टमर क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है, उसको भी एक तरीके से एनालाइज करके रखना, जिससे आप फ्यूचर में आप वही चीज़ें, वही सर्विसेज, वही गुड्स उसको रिकमेंड कर सको और उस तक पहुंचा सको, जिससे उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट हो सके। तो ये आपके 14 पॉइंट्स थे जिसमें आपको बताया गया कि आप जब ऑनलाइन बिजनेस करते हो तब आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको उनको कैसे एनालाइज करना है, कैसे एसेस करना है ना, ये सारी चीज़ें आपकी आज के इस टॉपिक में बताई गई हैं।